Subscribe to Shimaru Movies and hit the bell icon to never miss an update. केला कहा तो अरे तो केला भी नहीं तो किलिया है किलिया ये तो किलिया भी नहीं तो चचुआ एक बात बताओ ये इलाके में जौन जौन लोग केला बेचते हैं उन सब में तुहार किलिया हमेशा छोटा होते कहो अरे बाप रे हे भगवान ये मुसीबत कहाँ से आ गई चची आई है का जैकब जेल से आ गया भाग चल बेटा भाग चल नहीं तो ये ऐसी मुरली बजाई कि बजा बजा के तानपुरा बना दी ये पकड़ो बड़ा हो जाता हमका खिला देना जयराम जी की बिरजू भैया बिरजू भैया क्या हुआ बिरजू सर वो जो है ना जेकबवा वो जेल से छुटकर गेंडे की तरह भिनभिना था यही को आ रहा है भिन 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 गिदोर की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है जैकब की मौत उसे बिरजू के पास खींच लाई है शैतान का दूसरा नाम जैकब है आज अपन तुझे ये मोहल्ला छुड़ाने के लिए आया है अपन को जेल भिजवा कर तू उस मोहल्ले का हमदर्द तो बन गया लेकिन कुत्ते तूने इसका अंजाम नहीं सोचा कि जब शेर पिंजरे से बाहर निकलता है तो तेरा क्या होगा कालिया गली का कुत्ता अगर खुद को शेर समझने लगे तो उसे पागल समझकर गोली मार दी जाती है जैकब जो जिंदगी भर कुत्तों में रहा हो वो शेर को कुत्ता समझकर अपनी बोटियां नचवा लेता है तुमने शेर को कुत्ता समझकर बहुत बड़ी गलती की है कुत्ते गलती तो तूने की है जो मुझ जैसे शिकारी के पास खुद चलाया तू मुझसे ये मोहल्ला छुड़वाना चाहते है ना चल मैं तुझसे ये दुनिया ही छुड़वा डर से खिड़कियां दरवाजे बंद कर लेते थे ना आज के बाद तेरे मुंह पर थूकेंगे मुरली ये ले मुरली तेरे चेहरे पर डर की कालक पोतने वाले का मुंह तो खुद ही काला कर दे बिरजू सर नहीं डर मत मुरली
अरे अगर इसने अपनी जुबान भी खोली ना तो इसकी जुबान खींचकर इसके हाथ में रख दूंगा। अरे ले ना। नहीं 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 नहीं, मार मार के तो आप ही का थोबड़ा काला कर दियो, टिचनी कलर कर दियो, अब हम काम आ रही। अरे यार की इज्जत का जुलूस है, तनी धूम से निकली। बबुआ तोहार हार का इनाम ई हार है और हमारा नाम है मुरली मनोहर ब्रिजवासी, और तुझ जैसी घटिया की लाश के गधे की सवारी के लिए हम लाए बढ़िया क्लास का गधा, ये देखो। शैतान का दूसरा नाम जैकब है। तूने अपन के गले में जूतों का हार नहीं अपनी मौत को दावत दी है। अपन तेरा का लाइफ डार्क कर देगा। सारा जिंदगी जन्नुम से ज्यादा बदता ना बनाया तो अपन का नाम जैकब नहीं। क्या लगता है कुछ कमी रह गई है? का पूरी कर दो। बिरजू क्या है ये तेरा तार आयला है? कौन का तार है बिरजू भैया? माँ का, जल्दी बुलाया है, कोई जरूरी काम होगा। लेकिन बेटा तू अपनी माँ का तार पढ़कर इस बर्बादी के तूफान में क्यों चलाया? माँ बाप तूफान में घिरे रहे बेटा कैसे चैन से जी सकता है? लेकिन बाबूजी ये सब कुछ हुआ कैसे? दिल का दौरा पड़ने से अस्पताल वालों ने तेरी माँ को अस्पताल में भर्ती कर दिया। उस रात तेरी गूंगी बहन छाया घर पर अकेली थी और मुझे घर पहुंचने में जरा नहीं बहुत देर हो गई, और उस बरसाती रात में। नहीं वकील साहब, जब तक मुझे बलवंत का कत्ल करते हुए देखने वाली रघुवीर की आंख खुली है तब तक मेरी आंख चैन से बंद कैसे हो सकती है? इसलिए मैं सोचता हूँ कि सोचना तो आपको उसी वक्त छोड़ देना चाहिए था नारायण साहब, जब आपने नोटों से भरा हुआ बैग मेरे सामने रखकर मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि बलवंत का खून रघुवीर ने ही किया है। अब ये बात मैं अदालत को सोचने पर मजबूर कर दूंगा। ठीक है वकील साहब, लेकिन एक बात फिर भी याद रखिएगा, अगर रघुवीर की चिता रोशन नहीं हुई तो मेरी जिंदगी का अंधेरा दूर नहीं होगा, क्योंकि मेरा अनमोल जीवन उसके 2% की मौत से शुरू होता है। लीव इट टू मी नारायण साहब, लीव इट टू मी। वकील साहब, अरे तुम अंदर कैसे आए? मैं अपने बापू के प्राणों की भीख मांगने आया हूँ आपसे। कौन है तुम? जी मैं मिस्टर रघुवीर का बेटा हूँ। रघुवीर को तो जिंदगी मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि वो खूनी है। उन्होंने खून नहीं किया, वो खूनी नहीं है वकील साहब। वो खूनी नहीं, ये बात कितने लोग जानते हैं? तुम्हारा बाप या फिर मैं? क्या आप जानते हैं मेरा बाप? ऑफ कोर्स। फिर भी आप उन्हें फांसी पर चढ़ा देना चाहते हैं? तो क्या करें, सबूतों की बिना पर मुकदमा लड़ना मेरा पेशा है। किसी के सर से उसके बाप का साया छीन लेना पेशा है आपका? किसी सुहागन की मांग का सिंदूर मिटा देना पेशा नहीं, सरासर जलालत है। जलालत तुम समझते हो, दुनिया से लियाकत समझती है। भगवान से डरो वकील साहब, भगवान से डरो। आज का भगवान पैसा है बकुरदार, और पैसा कीमत है इस जबान की। ये वही जबान है जो अपने मौकल को बचाने के लिए बेगुनाह को गुनहगार और गुनहगार को बेगुनाह साबित करती है, और दीनानाथ अपने मौकल को ये जबान दे चुका है। I'm sorry, इसका फैसला अब अदालत में ही होगा। क्या कहा वकील साहब ने? तू बोलता क्यों नहीं, चुप क्यों है? ऐसे तो कितनी आंख बंधा कर मुझे यहाँ लाया था। बोल बिरजू, क्या कहा वकील साहब ने? मुझे क्या पता था कि एग्जाम से कहने जा रहा हूँ, दस ना छोड़ दे। क्या तू मुझे अंदर बुलाता, अपने आंसुओं से उसके पांव धोकर उसका दिल फटने पर मजबूर कर देती। मैं अंदर जाती हूँ, अपनी मांग उसके पैरों पे रखकर अपने सुहाग की भीख मांगूंगी। हाँ माँ, टूटते को दुनिया सहारा नहीं देती और तोड़ देती है। वकील ने कहा है फैसला अदालत में होगा। जब तुम्हारा बाप घर पहुंचा तो तुम क्या कर रही थी?
अपने बाजुओं में ले रहा था या तुम अपने बाजू में ले रही थी? तुम्हारे बापू को तुमसे पहले किसने देखा था? ओ, इसका मतलब है कि बलवंत की पीठ दरवाजे की तरफ थी। अपने बापू को देखते ही सबसे पहले तुमने क्या किया? उसे देखते ही तुम चीखी, चलाई। हाँ, तो तुम अपने बापू को देखकर ही चीखी ना? Point to be noted, Your Honor, ये अपने बाप को देखकर चीखी चलाई। चीख कर ये बलवंत को इस बात का एहसास दिलाना चाहती थी, उसे आगाह करना चाहती थी कि इसका बाप आ गया है। Your Honor, अब मैं मुजरिम रघुवीर से एक आखिरी आम सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। हाँ तो रघुवीर प्रसाद जी, बस कीजिए वकील साहब, बस कीजिए। आपने सच को झूठ साबित करके मुझ गरीबों की इज्जत पर काफी कीचड़ उछाल चुके हैं। अब झूठ को सच साबित करके मुझ निर्दोष को फांसी पर चढ़ा दीजिए। मेरी लक्ष्मी जैसी बेटी को आपने बदचलन और जिस्म का धंधा वाली साबित करके उसे जीते जी मार डाला। हमें मार डालिए, हमारे खानदान को फांसी पर चढ़ा दीजिए। अपनी अपनी इज्जत की आरती का बोझ अपने कंधों पर उठाकर हम नहीं जिंदा रह सकते। हम नहीं जिंदा रह सकते। जज साहब, हम बाबू माँ माँ बाबू भेजो भेजो, मैं पिता के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, इसलिए मैं भी उसके साथ जा रही हूँ। माँ भी तो है, बाप भी तो है, उसका उसका क्या किया? मार बापू की तरह तो भी मुझे छोड़कर जाना चाहती है? हाँ नहीं छाया, नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, तुझे छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं बगली, नहीं, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं। बर्बादी की जड़ है दीनानाथ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। चाय देख लेना। क्योंकि विक्रम भैया ने मुझे खत लिखा था कि मेरी शादी का जोड़ा वो अपनी मेहनत की कमाई से बनाकर लाएंगे। बस इसी बात का तो झगड़ा रहा है हम दोनों में। वो समझता है मैं जो मुकदमे लड़ता हूँ उनमें जरा भी मेहनत नहीं लगती। मेरी कमाई हराम की कमाई। अगर मेरी कमाई हराम की है तो वो उसने कौन सी अपनी हलाल की कमाई से वहाँ पर बहुत बड़े महल खड़े कर दिए हैं? टैक्सी तो चलाता है। शर्म आती है मुझे ये सोचकर कि इतने बड़े नामचीन वकील का छोटा भाई होकर वो एक टैक्सी ड्राइवर है। लेकिन मुझे अपने टैक्सी ड्राइवर होने पर फक्र है भैया। हम टैक्सी वाले हर मुसाफिर को उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। आपकी तरह घुबरा नहीं करते, जुदाई में तड़पते दिलों का मिलन कराते हैं। लेकिन आप मिलन में जुदाई की दीवार खड़ी कर देना अपना फर्ज, असूल और पेशा समझते हैं। मेरे पेशे को कोसने की वजह से तुम्हें यह घर छोड़ना पड़ा था। देखो, तुम बहन की शादी के सिलसिले में आए हो, इसलिए बेहतर यही होगा कि सब कुछ शांति से हो जाने दो। अन्य कहीं ऐसा ना हो कि डोली उठने से पहले तुम्हें यहां से अपना सामान उठाना पड़े। भैया,
भैया तुम आ गए, बहन की याद नहीं आती थी तुम्हें? याद याद तो उसकी आती बगली जिसे भुलाया हो। तेरी यादों के सहारे तो मैं जिंदा हूं। तू और तेरे प्यार के सिवा मेरा कौन है इस दुनिया में? मां कसम खा कर गया था कि फिर लौट कर इस घर में कदम नहीं रखूंगा। तेरे प्यार के सामने ये कसम भी फीकी पड़ गई है। मैं भी तुम्हें बहुत याद करती थी भैया। खाते वक्त सोचती थी मेरे भैया ने खाना खाया होगा या नहीं। सोते वक्त सोचती थी मेरी जान से भी प्यारे भैया के नसीब में आराम है या नहीं। आराम ही आराम है सीता। तू अब अपने भाई के बारे में सोचना छोड़ और अपने दूल्हे के बारे में सोच। ऐसा स्वर्ग जोड़ा लाया है तेरा भाई कि जब तू दुल्हन बनेगी ना तो तेरे दूल्हे की जिंदगी में सुर्खी छा जाएगी। मेरे हर रिश्ते को तूने इन चिताओं पर बलि चढ़ाकर मुझे लावारिस बना दिया दीनानाथ। इन चिताओं की आग तो शांत हो जाएगी मगर मैं इंतकाम के शोलों में तब तक झुलसता रहूंगा जब तक तुझसे तेरा हर वारिस छीन कर तुझे लावारिस ना बना दूं। तुम्हारे लिए सीता दरवाजा क्यों बंद कर दिया? दरवाजा खुला रहता तो खुल कर तुझसे हिसाब नहीं चुका पाता। हिसाब? कैसा हिसाब? मेरे खानदान के साथ खून की होली खेलने के बाद अपने घर में खुशियों की दिवाली मना रहे हो दीनानाथ। जब तक तेरे खुशी के चिरागों को तेरे खून के छींटों से बुझा ना दूं ना तब तक मैं अपने माँ बाप और बहन की चिता पर खाई हुई कसम की आग में जलता रहूंगा। देखो मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? पागल मत बनो, इस वक्त तुम होश में नहीं हो। होश में तो मैं तब नहीं था जब तुझ जैसे जल्लाद के सामने गिड़गिड़ाकर अपने निर्दोष बाप के प्राणों की भीख मांग रहा था। हालात को समझने की कोशिश करो बिरजू। आज मेरी बहन की शादी है, थोड़ी देर में बारात दरवाजे पर आने वाली है। बारात? बारात तो मेरी बहन की भी आती अगर तूने उसे शादी के जोड़े की जगह कफन उड़ाकर अति पे बिठा दिया। मेरी बहन की बारात घर तक नहीं पहुंची, तेरी बहन की बारात तेरे घर तक पहुंच कर भी खाली जाएगी। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन, मैं एडवोकेट दीनानाथ बोल रहा हूँ, मेरी जान खतरे में है प्लीज। चाहता तो मैं तुझे फोन करने नहीं देता लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिस कानून की आड़ लेकर तूने मुझे तबाह किया उस कानून के रखवाले आए और कानून के सौदागर की बर्बादी अपनी आंखों से देखें।
दुनिया को मौत बेचने वाले, अपनी मौत नजर आई तो पसीना आ गया। ये ले रुमाल, पसीना पोंछ ले, पोंछ पसीना। घबरा मत, मैं तुझे इतनी आसान मौत नहीं मारूंगा। यही है ना वो जुबान जिस पर तुझे इतना घमंड है? मेरी बेजुबान बहन अदालत में कहती कुछ और थी, तेरी ये जुबान उसका मतलब कुछ और लगाती थी। अभी थोड़ी देर में पुलिस आएगी और तुझसे पूछेगी, तब तुझे एहसास होगा कि किसी बेजुबान को अपनी बात कहने में कितनी तकलीफ होती है, और तब कितनी तकलीफ होती है जब वो कहता कुछ और है और उसका मतलब कुछ और लगा। याद है दीनानाथ, तूने अदालत में साबित किया था कि मेरी देवी जैसी बहन ने अपनी इज्जत अपनी मर्जी से बलवंत के हाथों बेच दी। जब तेरी बहन की इज्जत किसी बलवंत जैसे गुंडे के हाथों बिक जाएगी ना, तब तुझे एहसास होगा कि किसी बहन की इज्जत कैसे बिकती है। क्या बात है? अभी थोड़ी देर पहले एडवोकेट साहब का टेलीफोन आया था, कह रहे थे कि उनकी जान खतरे में है, बात पूरी ना हो पाई, टेलीफोन डिस्कनेक्ट हो गया। कहाँ है वो? आइए मेरे साथ। भैया दरवाजा खोलो भैया। भैया सीता कहाँ है? सीता भाग गई। तब तुझे एहसास होगा कि किसी बेजुबान को अपनी बात कहने में कितनी तकलीफ होती है, और तब कितनी तकलीफ होती है जब वो कहता कुछ और है और उसका मतलब कुछ और लगाया जाता है। भैया, अरे भैया बोलते क्यों नहीं, सीता किसके साथ भाग गई? अरे भैया बोलो भैया, सीता किसके साथ भाग गई? माशाल्लाह, ऐसा लगता है जैसे खुदा ने अपने हाथों से तराशा है। इस सिरे को सही वक्त और सही जगह पे लाए हो बिरजू। जहरा बाई को ऐसे ही नायाब हीरे की तलाश थी। माल हमारी पसंद का है, कीमत तुम्हारी पसंद की होगी। बोलो क्या कीमत लोगे? लड़की बेचकर पैसे कमाना बिरजू का धंधा नहीं है जोरा भाई। क्या मतलब? जिस दिन इसके पांव में घुंघरू बांधकर इसे महफिल की रौनक बना दोगी, समझ लेना बिरजू को उसकी कीमत मिल गई। ये क्या कीमत हुई? लगता है इस चांद ने दिल में ठंडक पहुंचाने की बजाय दिल जला डाला है। मियां समझ लो, इसके पांव में घुंघरू बंध गए। विक्रम भैया, विक्रम भैया, इसका मतलब है दीनानाथ का कोई भाई भी है जिसका नाम है विक्रम। विक्रम, क्या सोच रहे हो राजा? कुछ नहीं, इसे जब भी होश आ जाए तो इसे ये जरूर बता देना कि तुझे कोठे पर बिठाने वाला और तेरी तकदीर की लकीरें बदलने वाले का नाम बिरजू है।
तड़प तड़प कर अपने आंसुओं से ये जितना मुझे कोसेगी, मेरी तड़प को उतनी ही शांति मिलेगी। वाह खुदा, तेरा भी जवाब नहीं राजा। जब देने पर आता है तो बिना छप्पड़ फाड़े ही दे देता है। कौन हो तुम? ये कौन सी जगह है? घबराओ नहीं राजा, ये वो जगह है जहाँ आने वाली हर लड़की दौलत के सिंहासन पे बैठकर मर्दों के दिलों पे राज करती है। राज? राज? मैं समझी नहीं, तुम हो कौन? जहराबाई का नाम और कोठा सारी बंबई में मशहूर है राजा। कोठा? लेकिन मैं यहाँ आई कैसे? मैं तो, कौन लाया मुझे और क्यों लाया? तेरे पाँव में घुंघरू बांधकर तुझे तवायफ बनाने के लिए बिरजू छोड़ गया है यहाँ। बिरजू? कौन बिरजू? वो कौन होता है मुझे यहाँ छोड़ के जाने वाला? जोहरा बाई, मैं अपने घर जा रही हूँ। इतनी बेवकूफ नहीं हो राजा कि हाथ आए खजाने को इतनी आसानी से जाने दूँ। याद रहे, आज से ये कोठा ही तेरा घर है और तू एक तवायफ। खबरदार, जो मुझे एक तवायफ कहा तो। एक तवायफ और एक शरीफ लड़की में उतना ही फर्क होता है जितना एक कोठे और एक मंदिर में होता है। मैं एक शरीफ और राजा, यहाँ आने वाली हर लड़की की इज्जत और शराफत इस कोठे की चार दीवारी के बाहर ही रह जाती है, समझे? लेकिन जिस लड़की ने एक बार अंदर पांव रखा कि उसके पांव घुंघरों की जंजीरों से इस तरह जकड़ लिए जाते हैं कि वो पांव नाचते नाचते टूट तो सकते हैं लेकिन यहाँ से बाहर नहीं जा सकते राजा। नहीं, तुम मुझे यहाँ रहने और अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर मजबूर नहीं कर सकती। छोड़ दो मुझे, जाने दो यहाँ से। राजा, इस पिंजरे में फड़फड़ाने वाली चिड़िया के पर हम काट देते हैं, समझी? जोहरा बाई, तू मुझे ज्यादा दिन तक इस पिंजरे में कैद करके नहीं रख सकती। जिस दिन मेरा भाई विक्रम मुझे ढूंढता ढूंढता तेरे इस कोठे तक आ पहुंचाना, उस दिन ना तू रहेगी ना तेरा ये कोठा। अगर तू पाताल में भी होता तो भी मैं तुझे ढूंढ निकालता बिरजू। रुको रुको, हम बिरजू नहीं है, हम बिरजू नहीं है, माँ कसम हम बिरजू नहीं है। अरे लो लो, हम तो खाली तुमको बनाने गए थे, तुमने तो हमारा पूरा का पूरा जबड़ा हिला दिया। देखो, अगर तूने नहीं बताया कि बिरजू कहाँ है तो जबड़ा तोड़कर हाथ में दे दूंगा। हाथ में देना तो हमका भी हाथ है, किंतु हम बात बढ़ाना नहीं चाहते। क्या बोला? हमने बोला था कि वो रामपुर गया है, अभी तक गाँव से नहीं लौटा। रामपुर से आकर उसे कई रोज हो गए हैं। हाँ, लेकिन हिया नहीं आया। यहाँ नहीं आया तो कहाँ मिलेगा? अरे मिलेगा कोनो दारू के अड्डे पे बोतल से लिपटा हुआ। आप फिर आएगा, अगर वो आए तो उसे कह देना कि रामपुर से सीता का भाई विक्रम आया था और उसकी मौत बनकर उसे ढूंढ रहा है। हम कह देंगे, लेकिन देखना सिर्फ इतना है कि जब मिलन होगा तो कौन की किरी मौत है। मुरली मनोहर बिजवासी, एको बात हमरी समझ में नहीं आते। या जो भी आता है बिरजू का पता भी हमसे पूछ के जात है और ठुकाई भी हमरी करके जात है। कहे फिर मारोगे का? अरे ओ बिरजू महाराज, बहुत अच्छा क्या तुम आ गए, दो मिनट देर से आए। अच्छा किया, तो हर मौत गई यहाँ से। क्या बक रहा है तुम? अरे हम बकत नहीं भैया, हम बता थे ऐसन हाथ जमा थे लौंडा, ऐसन हाथ जमा थे। हमका तो खाली रामायण बता के गया, महाभारत तो तुमका दिखाई। बिरजू उस्ताद, या तो हमारी पगार थोड़ी बढ़ाए दियो, या पैसा हमका मिलता है कम और मार मिला थे ज्यादा। जैकब आया था क्या?
वो जेकब का तो हम अकेला ही निपटने काफी है, लेकिन हम बता दे अगर दोबारा वो लौंडे का हाथ हमरे थोबड़े पे पड़ाना तो हमरे बाप के सराज के साथ अगले बरस हमरा भी सराज बनाओगे। क्या नाम बताया था उसने? मनोज नाम का बहुत कहता था रामपुर से आया विक्रम। हाँ वही नाम था, मनोज नाम था, विक्रम कहता था, सीता का भाई है विक्रम। कहाँ है वो? कहाँ है विक्रम? हमको बिरजू कौन है? बिरजू? अरे वो तो एकदम आपका हाथ। अबे मैं कब का पूछ रहा हूँ, बता कहाँ है बिरजू? कौन से कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम है विजय, विजय साहब। क्या नाम है तुम्हारा? हम मुरली, मुरली है हम। वो बिरजू जो है ना, वो गया है रामपुर। रामपुर से बिरजू एक लड़की उठाकर बम्बई भाग आया है, वो यही आएगा। कौन कहे, तुम यही ठहरो। ठीक है सर। बिरजू जरूर यहाँ आएगा। लगता है ये इलाका मुझे छोड़कर जाना पड़ेगा, पर याद रखना जब भी विक्रम आए मुझे खबर कर देना। वो तो हम कर देंगे, मगर एक बात तो बताओ सरकार, ये छोकरिया कौन है, ये कहाँ है? ये मातम छोड़ और थोड़ घुंगरू बांध। घुंगरू? और मैं बांधूंगी? हरगिज़ नहीं। देख राजा, तेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, पाँव में घुंगरू बांध लेगी तो दौलत और शोहरत तो मिलेगी ही, इज्जत भी बरकरार रहेगी। ना मैं इज्जत बेचूंगी और ना ही मैं नाचूंगी। तुझे तो कहना पड़ रहा है राजा, वरना जोहरा ने तो न जाने कितनों को सिर्फ इशारों पे नचा दिया है। नाचेगी राजा, तू भी नाचेगी। मैं नहीं नाचूंगी, नहीं नाचूंगी, नहीं। चबा मेरी तकदीर में घुंघरुओं की झनकार भर देने वाले, ये तूने किस जन्म का बदला लिया? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था बिरजू? ये लो पैसे। क्यों शर्मिंदा करते हो बिरजू उस्ताद? मुझ पर तुम्हारे इतने एहसान हैं कि जिंदगी भर नहीं चुका सकता। एहसानों को धंधे में डालेगा तो भूखा मर जाएगा। हाँ, ये ले। जियो मेरे बेटे। क्या चाहिए बिरजू? बिरजू? क्या कोई बिरजू नाम का आदमी आता है? हम यहाँ दारू पिलाते हैं, राशन कार्ड नहीं बनाते, जो हर एक का नाम दर्ज करते फिरे। सीधे से बोल, क्या बिरजू नाम का आदमी आता या नहीं, वरना ये दारू का धंधा बन करके राशन कार्ड बनाने लगेगा। नहीं साहब नहीं, बिरजू नाम का कोई आदमी नहीं आता। मगर आप हैं कौन? विक्रम। डांस डांस, ए डांस डांस, ए गाड़ी रोको, अरे साला छोकरा। बिरजू उस दिन तो अपनी ताकत का जरा सा नमूना दिखाया था, जिसे तुम जुलूस समझ बैठे। अरे अगर असल में तेरा जुलूस निकाला होता ना, तो तेरी लाश इन्हीं चमचों के कंधों पर होती, जिनके कंधों पर तू यहाँ सवार होकर आया है। मार साले को, मार मार के इसका थोड़ा इतना बिगाड़ दो कि साले की मौत भी इसको पहचानने से इनकार करते। मारो। ये तो कल सुबह पता चलेगा कुत्ते, जब म्युनिसिपैलिटी वाले तेरी लाश को कुत्तों की लाशों की तरह कसीद करने जाएंगे। अपने आप को
शैतान का दूसरा नाम जैकब है। जैकब भागले वरना पैकअप हो जाएगा। भागले भागले तुम्हारी जात का पैरपाट मारूं। तेरा उन लोगों से झाड़ा क्या है? क्या सोच रहा है? सोच रहा हूं कि तेरा मेरा पिछले जन्म का कोई रिश्ता है। एन वक्त पर मेरी जान बचाने पहुंच गया और मुझ जैसे लावारिस को अपने घर ले आया। तो क्या मरने के लिए तुझे सड़क पर छोड़ा था? अपना तो यही दसूर है दोस्त, या तो हाथ बढ़ाओ नहीं, और अगर बढ़ाओ तो फिर हटाओ नहीं, चाहे दोस्ती पर जान क्यों न कुर्बान हो जाए। एक बात बता। क्या? तेरा इस दुनिया में कोई नहीं? कुछ दिन पहले तो सब थे, मां बाप और बहन, मगर अचानक एक आंधी आई और गुलशन जैसा हरा भरा घर शमशान में बदल गया। मुझे सब छोड़कर चले गए। माफ करना दोस्त, शायद मैंने तेरा दिल दुखाया है। वैसे तू करता क्या है? तलाश, उस राक्षस के भाई की तलाश जिसने मेरे खानदान के साथ खून की होली खेली। रखी भी तेरी तरह तलाश का मारा हुआ है। खैर, तूने अपना नाम नहीं बताया। विजय है मेरा नाम। इसके पहले कुछ और था जिसके साथ पुरानी यादें जुड़ी हैं। तू कहे तो बता दो। जो मेरे दोस्त के जख्मों को कुरेद डाले वो नाम नहीं नश्तर होगा मेरे लिए। तुझे आराम की जरूरत है और मुझे तलाश की। इस वक्त मुझे जिसकी तलाश है उसे मिलने के लिए इससे अच्छा वक्त नहीं हो सकता। जो आया मगर तुम इतने बड़े भूत यहां काहे के लिए आ गए भैया? फिर जो आया क्या नहीं? हाँ आया था, जैसे ही आपने निकाला उसने डाला पांव। हैं, हमने बता दिया। देखो भैया, एक बहुत खूनखार गुस्से वाला आदमी तेरे पीछे है, वो तेरे खून का प्यासा है। फटने से पहले, यानी पो फटने से पहले, सुबह होने से पहले यहां से चला गया, उसके बाद पलट के नहीं आया। अजी आप तो आप एक इंस्पेक्टरों के पीछे पड़ा है इतना बड़ा डंडा लेके। एक बार वो कुत्ता हाथ लग जाए ना, जितना मैं तड़प रहा हूं उसी तरह तड़पा तड़पा कर कुत्ते से बदतर मौत ना मारा तो अपन भी अपनी मां का बेटा नहीं। भाई की अंधेरी जिंदगी में चांदनी बनकर आई हो बहन, इसे कुदरत का करिश्मा कहूं क्या अपना नसीब? पहले ये बताओ कि तुम हो कौन? विकी का दोस्त और तेरा भाई। भाई? पर मुझे देखकर तुम्हारी आंखों में आंसू? क्या मैं इतनी बुरी हूं कि आंख को चुभने लगूं? बहन भाई की आंखों की चमक होती है, चुभती नहीं। एक बार अपने भाई को
अपनी जबान से भाई कह दे, जिस जबान की मोहताज थी मेरी बहन, इस बदनसीब भाई को एक बार भाई कह दे, सिर्फ एक बार। भैया भैया लड़की कहाँ है? चल जाओ। चलो दोस्त, चलिए आपको याद फरमाया है। अबे ओए, ये अपना पर्स तुम अब उनके टैक्सी में छोड़ा था सर। चलता हूँ।
देश में वह दूर। वाह जरा भाई, लुत्फ आ गया। क्या तैयार लेकर आई हो? कसम से सितारा ने तो तेरे दिमाग के सारे तार झिझोड़ के रख दिए तुम्हारी कसम। अरे मियाँ, बंदी तो हमेशा यही दुआ करती रहती है कि आपकी खिदमत यूं ही करती रहूं। जरा भाई, रस्म कभी भी अदा कर लेना, पर पेश की आज शुक्रिया। खुदा हाफिज़। मेरी इज्जत लुट जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगी। सितारा भाई, ये क्या करतब ढा रही है? कुछ नहीं। तो ये क्या कर रही है? मैं बोला तू भाग, कुछ नहीं करना। मैं तो छोड़ूंगा नहीं। भाई मेरा भाई, मेरा भाई। वो देखो लौंडिया भाग रही है। क्या? हाँ वो देखो भाग रही है। वो देखो भाग रही है। अगर उसे लिए बगैर तुम लोग वापस आए तो तुम्हारी बोटियां नोच के कुत्तों को डाल दूंगी। जाओ, मैं कहती हूँ जाओ। पकड़ लो। कहाँ गई साली? कहाँ गई हुई उस्ताद? सबों के हाथों से बचकर कहाँ जाएगी? सुबह आओ उस्ताद। अभी अभी यहीं थे। कहाँ गई वो? टैक्सी वाले भैया, देखो भैया, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो भैया। वाह रे बंबई, तेरे सीने पर जो भी पांव रखता है सीने की धड़कन की तरह भागता ही रहता है। तू भी तो अपनी बहन की तलाश में भागते भागते थक गया देखी। आज मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन दोबारा अगर भागने की कोशिश की तो टांगे तोड़ के रख दूंगी, समझी? जब देखो तब टांगे तोड़ने की बातें करती है। ये लंबी होगी तो मेरा क्या कसूर है? अरे कसूर तो मेरा है कि तेरी जबान खींच कर न रखती। जबान खींच कर रखती होती तो गड़बड़ लंबी न होती। कमाल है माँ, पहले कह रही थी कि मेरी टांगे लंबी हो गई, अभी कह रही कि जबान लंबी हो गई। न जाने आज तुझे मेरा सब कुछ लंबा क्यों नजर आ रहा है? अरे चांदनी चांदनी, कब तक मुझे सताती रहेगी? अरे माँ, जब तक तू डांटती रहेगी। अरे पगली, मैं तुझे डांटती कहाँ हूँ? मैं तो तेरी माँ हूँ, मैं तो तेरे भले के लिए ही। ये किसको इशारा कर रही है? इशारा कुछ नहीं माँ, लल्लू है ना, लल्लू गुल्ली डंडा। अब तुझे छोटे छोटे लड़कों के साथ गुल्ली डंडा खेलना शोभा नहीं देता। अच्छा, बड़े बड़े लड़कों के साथ? हे भगवान, अब मैं इसे कैसे समझाऊं? सुन बेटी, बदन के कपड़े जब अंग संभालने में बेबस हो जाए तब लड़की जात के लिए शर्म संभालना बहुत जरूरी हो जाता है। अब तू बच्ची नहीं रही, जवान हो गई है। सच मेरे बदन के कपड़े? मेरा मतलब, अच्छा किया कि तूने मुझे बता दिया कि मैं जवान हो गई हूँ। अब मैं जाके सबको बता दूंगी। चांदनी, लो, याद कर रहे थे ना अपनी प्यारी बहन को? आ गई, जब देखो आंधी की तरह आती, आराम से नहीं आ सकती? अब मैं आंधी नहीं रही विक्की, तूफान हो गई, तूफान। माँ कह रही थी कि अब मैं जवान हो गई हूँ। अच्छा, शुक्र है तुझे अपनी जवानी का एहसास तो हुआ। अब संभाल। क्या? बाल्टी। अब मेरे लिए पानी लेके आना। अरे विक्की, तू हमेशा मेरी बहन को चिढ़ाता रहता है। हाँ विजय, मैं तो सिर्फ पानी। अरे चुप यार, तू इतनी सज धज के कहाँ जा रही है? भैया मैं तो नदिया पे जा रही हूँ, नदिया पे। हाँ सुन लिया, पर इतना चिल्ला क्यों रही है? पर भैया,
यहाँ पे कुछ लोग कान के भैरे भी तो है, नदिया पे जा रही है। बाल्टी मेरे लिए पानी लेने जा रही है। तुम आओ आओ। मंदिर और मस्जिद में रिपोर्ट लिखाकर इंसान तकदीर के सहारे बैठ तो जाता है, मगर आपके यहाँ रिपोर्ट लिखाकर आपके दफ्तर की चौखट घिसनी पड़ती है। हर रोज ये उम्मीद खींच लाती कि शायद मेरी उम्मीदों का कातिल पकड़ा गया हो या मेरी बहन सीता का पता लग गया हो। जो हार जाए या टूट जाए उसे उम्मीद नहीं कहते विकी। मैंने साहब आपको बड़े साहब ने बुलाया है। विकी तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आया। यहाँ क्या कर रहे हो? अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ। और हम हुआ तुम्हारे इंतजार में सूख सूख के कांटा हो गए और तुमको हमरा नहीं। अरे मुरली ये नहीं, हम मुरली बजाने जाते। जी सुनिए, लगता है हमने आपको पहले भी कहीं देखा है। आपके यहाँ लौंडा पैदा हुआ था बधाई देने के लिए, मैं तो आई थी। लौंडा? हाँ लौंडा तो हमारे बाप के घर में कभी पैदा नहीं हुआ। हाय हाय मुरैया, पैदा हुए थे तो हम सांड के सांड। मुरली ये क्या हरकत है? हरकत में ही तो बरकत है। हाय हाय तो होने लग गया। अब रो क्यों रहा है? तुमसे जब से नाता जोड़ा है रोएंगे नहीं तो कहाँ हंसेंगे। अमरी तो हंसी खत्म हो गई है। क्या बकवास कर रहा है तुम? अरे तुमरी जुदाई ने हमरे भेजे की खुदाई करके उमें शायरी का बीज बो दिया है। तुम कहाँ रहते हो उस्ताद? हमको कितनी याद आती है तुम्हारी, क्या तुमको हमरी याद नहीं आती? याद तो बहुत आती है मुरली, मगर आजकल हम अपने एक दोस्त के साथ दोस्त रहते हैं। अरे दोस्त नहीं, ऐसे कहो सोच के साथ रहते हो। ठीक है, एक मियानी माँ नहीं, एक मियान माँ दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। तू नहीं और सही। चल विजय। चलो चाली करो। चलो चलो आगे देखो, आगे देखो। डोंट बी स्मार्ट। तुम मुझे नहीं जानते, मैं नारायण का आदमी हूँ। और नारायण को जब पता चलेगा कि तुमने उसके हीरो के साथ उसके आदमी को भी पकड़वा दिया तो वो तुम्हारे घर में ही तुम्हारे कब्र को डलेगा। क्यों, कैसी लगी है कब्र? इस कब्र जिंदा इंसान चला जाते हैं, यहाँ रहकर इंसान मौत को तरसता है और जीने की दुआ भी करता है। तुम दोनों ने इन हीरो के साथ इस खतरनाक मुजरिम को पकड़वाकर कानून की मदद ही नहीं की बल्कि अपनी ईमानदारी का सबूत भी दिया है, इसलिए हम सरकार से आपको इनाम भी दिलवाएंगे। इनाम? इनाम तो मैं उन्हें दूंगा नारायण से दुश्मनी करने का, और वो इनाम दूंगा कि वो हरामजादे अपना नाम तक भूल जाएंगे। क्या मालूम करोगे वो किस गली के कुत्ते थे? पूरे साल में सिर्फ एक ही दिन आता है जब भोलेनाथ कहते हैं कि जो मांगोगे बस वही मिलेगा। सिक्की तू भी भगवान से मांग लेना मुझे। मैं तो भगवान से यही मांगूंगा कि तू मेरा दिमाग मत चाटा कर। क्यों मुझे? भगवान, माँ बापू और मेरी बहन की आत्मा तब तक तड़पती रहेगी जब तक उस कमीने विक्रम के सीने में सांसें चलती रहेंगी। तू मुझे उससे मिला दे, तभी मानूंगा कि तुम मांगी मुराद देता है। सीता की जुदाई में मैं जितना तड़पा हूँ, मैं खून के आंसू रोया, मुझे उस बिरजू से उसका हिसाब चुकाना है। सिर्फ एक बार भगवान मुझे उससे मिला दे, मैं उससे उसकी जिंदगी छीन लूंगा जिसने मुझसे मेरी बहन छीन ली। सुना था तकदीरें तू अपने हाथों से लिखता है, फिर मेरी तकदीर लिखने का हक तूने बिरजू जैसे जालिम को क्यों दे दिया? ये कैसा इंसाफ है तेरा? जुल्म भी करवाया और जालिम को छुपा भी लिया। तू इंसाफ करना चाहता है ना, तो एक बार सिर्फ एक बार मुझे उस नीच से मिलवा दे। बस मैं अपनी बर्बादी की कब्र पर
इसके खून के दीपक जलाकर दिवाली मनाऊंगी, मैं दिवाली मनाऊंगी। Thank you.
हो तुम लोग? हाँ, और क्या चाहते? क्या हो चाहता? तो मैं हूँ हरामजादो, अपने 50 लाख के नुकसान के बदले में तुमसे वो बदला लेना चाहता हूँ कि 50 जन्म लेने के बाद भी तुम्हारे चेहरों पर नारायण के नाम की दहशत की मोहर लगी रहे। तुम? हाँ मैं। रिश्तेदारी मत निकाल, मैं यहाँ तेरी हड्डियां तोड़ने आया हूँ, तुझसे रिश्ता जोड़ने नहीं आया हूँ। अच्छा, सिर्फ एक सेकंड के लिए, एक सेकंड के लिए अपने आदमियों से बोल के अपने तमंचे हटा लें, फिर देख हड्डियां कौन तोड़ता है और रिश्ता कौन जोड़ता है। क्यों वजह? सिर्फ रिश्ता ही नहीं जोड़ेगा, बल्कि अपने बाप के नाम के साथ हम दोनों का नाम भी लिखेगा। 3 बाप हो जाएंगे तेरे। क्यों, लिखेगा ना? जरूर लिखूंगा, मगर उन लोगों में जिन्होंने नारायण का बाप बनने की कोशिश की और नारायण ने उन लोगों का नाम दुनिया के ब्लैक बोर्ड से हमेशा के लिए मिटा दिया। तेरा नाम तो यमराज होना चाहिए था, ये नारायण किस उल्लू के पट्टे ने रख दिया? इसे पैदा करने वालों ने, उन बेचारों को क्या पता था कि उनके घर में पूत नहीं यमदूत पैदा हुआ है। गोली मार दे इन हरामजादों को। चलो बड़ी। नहीं, मत मारो इन्हें। पचास लाख के बदले ये हीरा बुरा नहीं है। क्या नाम है तेरा? चांदनी। चांदनी? मैं चांदनी को अभी अंधेरे में बदलता हूँ। अगर मेरी बहन को तूने हाथ भी लगाया तो इस हाथ के इतने टुकड़े कर दूंगा कि तेरा दूसरा हाथ उसे उठा भी नहीं पाएगा। अरे इकट्ठे तो तब करेगा जब मैं इसका दूसरा हाथ रहने दूंगा। अरे मर्दानगी दिखानी है। मर्दानगी? अभी दिखाता हूँ। इस भरी महफिल में तूने मेरे गाल पर तमाचा मार कर जो मेरी इज्जत का कचरा किया है। थूक दे इसके मुंह पे। सिर्फ थूकना ही काफी नहीं होगा भैया, थूकवाता तो ये रोज ही होगा। सबके सामने मेरे ही कपड़े उतारने वाले थे ना, चल उतार अपने कपड़े, उतार। अच्छी बात है, आज तो मैं अपने कपड़े उतारता हूँ, लेकिन सबके सामने अगर तेरे कपड़े। आवाज नहीं, आवाज नहीं, ज्यादा आवाज की तो गले में अंगूठा डालकर तेरी बोलती बंद कर दूंगा। चल उतार। अरे ऐसे नहीं, यहाँ पर बहुत सी माँ बहनें खड़ी हैं, तेरे घर पे कोई माँ बहन होगी ना, उन्हीं से उतरवा लेना। अच्छी बात है बेटा, तुम लोगों भी याद रखूंगा, आज जैसे तुम लोगों ने मेरे कपड़े उतारे हैं, एक दिन तुम्हारी हड्डियों में तो तुम्हारा उतरवाया। अबे जाता है क्या, चील कौवे को दावत भी हम ही दें? तेरी क्या, तो तेरी चट्टी पे उतार देंगे। माँ, मेरे होते हुए मेरी बहन की तरफ कोई आंख तक नहीं उठा सकता। देखा, भाई हो तो ऐसा। अरे तू भी तो कुछ बोल, जब से देखा है बस खाए जा रहा है। अरे घर तो अपना नहीं है लेकिन पेट तो अपना है, पेट बिगड़ जाएगा तो बस बुराई हमारे खाने में ही निकालेगा। चांदनी, पकने दे माँ, इसका तो यह हिसाब है, तेली का तेल जले और मसाजी की नाक जले, इसकी बकबक की कौन परवाह करता है? तुझे मेरी नहीं पर मुझे तो तेरी परवाह है। अरे बस कर, जब देखो तो बड़बड़ करती रहती है। इसकी बड़बड़ बंद करने का एक ही रास्ता है माँ, जल्दी से इसके हाथ पीले कर दो। मैंने भी कितनी बार कहा है पर बेचारी माँ भी क्या करे, मेरे हाथ
हाथ पीले करके अपने गले में डालेगी क्या? ये तो अरे हाथ क्यों धोने लगे? और खाना घर में आता है। रोटी खाने के बहाने बुलाकर सारा भेजा खा गई है। शुक्र है भेजा खाया है, काटा नहीं। विकी बेटा कुछ और? माँ पेट भर गया। पेट नहीं भरा, हाथ पीले करने के नाम से मुंह पीला हो गया। बलि चढ़ाने के लिए कोई और बकरा ढूंढ। मुझे शादी करके बीवी लानी है, भौपू नहीं। देखो माँ मुझे भौपू, जा मैं तुझसे बात नहीं करती। शुक्रिया। तेरे हाथ में तो जादू है माँ, कितना मजेदार खाना बनाती है, क्यों विकी? बिल्कुल माँ। अच्छा माँ चलते हैं। नमस्ते। भगवान तुम दोनों की दोस्ती हमेशा बनाए रखे। अरे मिल्क कॉलोनी चलोगे क्या? तू सवारी छोड़ अपना धंधा कर, मैं घर चलता हूँ। हाँ यार ग्राहक को वापस लौटाना वैसे भी अच्छा नहीं होता। तू ऐसा कर, तू यही मेरा इंतजार करना, मैं सवारी को छोड़कर आता हूँ। बैठिए साहब। शुक्रिया। ओ भाई साहब टैक्सी का भाड़ा कौन देगा? भाड़ा? कैसा भाड़ा? भाड़ा तो तुझे यहाँ लाने का हमें मिला है राजा, समझे? नहीं समझे? तो ये देख लो तुझे यहाँ समझाने के लिए कौन आए हैं। नारायण। नारायण नहीं, नारायण साहब बोल हरम सादे। तुझे देखकर कुत्ते की दुम याद आ गई नारायण, जो कभी सीधी नहीं होती। वरना उस दिन हड्डियां तोड़वाकर कपड़े उतरवाकर तू सीधा हो गया होता। तूने तो मेरे सिर्फ कपड़े उतारे थे, मगर मैंने तेरी खाल उतरवाने के लिए तुझे यहां बुलवाया है। तेरे ये मुस्टंडे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते नारायण। तू अभी कल का लौंडा है, तू मेरे इन मुस्टंडों को नहीं पहचानता है। अगर एक हाथ कस के मारेंगे ना तो तेरी बत्ती थी जबड़ों के बीच पिस कर पाउडर बन जाएगी पाउडर। मिर्ची जितनी छोटी होती है उतनी ही तीखी होती है नारायण, दांतों के साथ जबान के भी होश उड़ा देती है। और यह मत भूलना कि तू भी इनके साथ है। भाड़ा निकाल वरना नारायण से पहले तेरे दांत निकाल दूंगा। अरे भाई काहे को गुस्सा करता, अभी देता हूँ भाड़ा। ये की कोई बात नहीं, खतरा टल चुका है। खतरा तो अब उसकी जान को होगा जिसने मेरे दोस्त की जान खतरे में डाली है। पर ये कातलाना हमला करने वाले कौन लोग थे? मेरा तो कार एक्सीडेंट हुआ था। कार एक्सीडेंट? कार का नंबर या ड्राइव करने वाले को? नहीं,
मैंने कुछ नहीं देखा। ओके, तूने इंस्पेक्टर से तो छुपा लिया मगर मुझसे नहीं छुपा सकता। मैं जानता हूं तू अनजान नहीं, सब जानता है। विकी मुझे बता कौन थे वो लोग? नहीं, जो हाथ मुझ पर उठे वो हाथ मैं खुद ही तोड़ूंगा। इसका मतलब हमारा प्यार एक दिखावा है, हम दोनों की दोस्ती एक ढोंग है। ये ढोंग नहीं है मेरे दोस्त, दरअसल ढोंग ही तो है, वरना तूने विकी और विजय में फर्क कैसे समझ लिया? तू गलत समझ रहा मेरे यार, मैं अपने यार को किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता। तू नहीं जानता वो कितना खतरनाक है ना? अरे यही तो जानना चाहता हूँ कि कौन है वो जिसने तेरे दिल और दिमाग में इतना डर भर दिया है कि तुझे अपने यार और उसके बाजुओं पर भरोसा नहीं रहा। अरे विकी एक बार उसका नाम बता दे, उसकी रगों के खून को पानी में बदल दूंगा जिसने तेरा खून बहाया है। जिसने मेरी रगों का खून बहाया है, मैं खुद ही उसके खून को उसकी रगों का मोहताज बना देना चाहता हूँ। तुझे मेरी कसम है विकी, बता उसका नाम क्या है। विकी तुझे मेरी कसम, बोल कौन है वो? नारायण। मेरी खुदी
बड़ा जान, गली से मेरा यार गुजरा, क्या बात है, बहुत अच्छा गाती हो। वाह वाह सितारा भाई के साथ तुम लोग भी क्या साज बजाते, हम तुम्हारे बजाने बहुत खुश हुए। ये लो अपना इनाम नारायण बाबू, चलते बनो। मैं भी चलती हूँ नारायण बाबू। बाबू नहीं मेरी जान, सिर्फ नारायण को। आपने ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया? नहीं दरवाजा खोलो, वरना मैं शोर मचा दूंगी। तुम्हें रोकता कौन है? ये नारायण के घर की वफादार दीवारें हैं, ये अंदर की बात को बाहर जाने देती नहीं। अंधा तो पैदा होना ही पड़ेगा, ऐसे कुत्ते जो पाल रखे हैं मैंने, खा खा के सुअर की तरह फटने को आ गए और मार खाते हैं हराम खोर। और तुमको भी विजय ने ढोल की तरह पीट डाला, मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। विजय कौन? विजय वही जो अभी आया था, मेरे बाद तुम्हारे चेहरे को जूते की तरह रगड़ के चला गया, पॉलिश लगाई बिना पॉलिश के चमका के चला गया। लगता अपुन से ज्यादा उसने तुम्हारी धुलाई कर दी मैन, एक ही फटके में तुम बिरजू को विजय कहने लगे। अपुन का डेरिंग देखो, जिस तरह धोबी घाट पे धोबी कपड़े धोता है ना, इस बिरजू के बच्चे ने अपुन की कई बार धुलाई कर डाली। पर क्या है कि अपुन की जो खाल है ना, इसकी मैल निकलते ही नहीं। बड़ा जली रिकॉर्ड है यार तुम्हारा। लेकिन इसका रिकॉर्ड यह है कि विजय नहीं बिरजू है, बिरजू। कौन बिरजू? ये जो अभी आया था। ये बिरजू है? बिरजू। अगर ये बिरजू है तो जाओ पता कराओ कि बिरजू विजय बनकर क्यों घूम रहा है। मिस्टर विजय डोंट डिस्टर्ब हिम, अभी अभी नींद का इंजेक्शन दिया है क्योंकि इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। जी हाँ। सच पूछिए तो मुझे नारायण से बचाने में आपके दोस्त का बहुत बड़ा हाथ है। मेरी इज्जत बचाने का बहाना बनाकर इतने जख्म उठा लेने वाला या मेरा भाई हो सकता है या भगवान। आप इसे जब भी मिलेंगी ना बहुत खुश होंगी, ये मेरा दोस्त ही नहीं मेरी दुनिया है। चलें। मुझे आते देखा तो आंख फिराने की जगह मुंह फिरा लिया। जिससे आंखें चार होते ही मुझसे आंखें चुराने लगे हो उससे मिलवाओगे भी नहीं? पहले तो अपनी बात तो खत्म कर ले, फिर इनसे भी मिल लेना। ये है मेरी बहन चांदनी और आप हैं सितारा जी। जी 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 नमस्ते जी सितारा जी। वाह भैया वाह, तुम्हारी पसंद का तो बस जवाब ही नहीं। बहन का नाम चांदनी और बहन की होने वाली भाभी का नाम सितारा। चांदनी जब देखो जो चाहो बक देती हो, जरा सोचो तो करो। अरे तुम तो यूं बिगड़ रहे हो जैसे भाभी मैंने सितारा सुनाई किसी कोठी वाले को कह दिया हो। बकवास बंद कर चांदनी। नहीं जी बाबू, अनजाने में हकीकत कह गई तो इसमें इस बेचारी का क्या दोष? एक कोठे वाली किसी की बीवी या किसी की भाभी नहीं हो सकती जाननी। नहीं नहीं, इतनी शराफत मेरी देवी जैसे भाभी के चेहरे पे ही हो सकती है, किसी कोठे वाले की नहीं। इस ननन से प्यार का और मेरे भैया की तकदीर का सितारा सिर्फ ये सितारा ही हो सकती है। देखना भैया, ये ननन भाभी की जोड़ी ऐसे जमेगी कि लोग उंगली दबाएंगे ही नहीं चबा जाएंगे। क्यों भाभी? अरे चल भागकर कहां जाएगी? कौन है ये सितारा जिसने मेरे को तेरे लिए इतना गैर बना दिया? गैर नहीं विकी, मैंने कई बार सोचा कि मैं तुझे सब कुछ बताकर अपने दिलो दिमाग का बोझ हल्का कर लूं, पर आज मैं तुझे सब कुछ बता दूंगा। सितारा मेरी एक भूल है और ये भूल मेरी बहन की वजह से हुई है।
मैं कहती हूँ जल्दी से इस प्यार भरी भूल को सुधार लो। तुम्हारी जगह मैं उसे अपना दिल दे बैठती तो पलक झपकने से पहले ही शादी का फैसला कर लेती। क्या फैसला किया है राजा? लोग यहाँ से तवायफ को जश्न मनाने के लिए घर ले जाते हैं, दुल्हन बनाने के लिए नहीं। एक तवायफ कोठे की रौनक तो हो सकती है, घर की शोभा नहीं। घर जैसे पाक नाम पर तवायफ एक ऐसा बदनुमा दाग है जो छुपाए से नहीं छुपता। और फिर जमाने से मुझे जमाने की परवाह नहीं है जोहरा भाई। सितारा से शादी करके उसके दामन पर लगे हर दाग को मिटा दूंगा। पहले तकदीर ने उसे तवायफ बना दिया था, मगर अब मैं उसे अपनी दुल्हन बनाऊंगा। मुझे मेरे पाप का प्रायश्चित करना होगा, वरना मैं अपने पाप की आग में सारी उम्र चलता रहूंगा। जिस दिन सितारा को ये पता चलेगा कि उसे लग्न मंडप से उठाकर कोठे पर बिठा देने वाले तुम हो, तो और अगर ये पता चल जाए कि उसे सीता से सितारा बना देने वाले भी तुम हो, तो पाप की इस आग में जलना नफरत के उन छोले में झुलसने से कहीं बेहतर है राजा। सच जानने के बाद जो नफरत सितारा की आत्मा उगलेगी ना, तुम मुझसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। नहीं जोरा भाई, सच वो तूफान है राजा जो एक दिन जरूर उठता है, और जब उठता है ना तो वो झूठ के सारे पर्दों को तार तार कर देता है। और ये सच का तूफान जिस दिन भी सितारा की जिंदगी में उठना तुम समझ, ये भूल कर भी मत करना राजा। उसी भूल को भुलाने के लिए प्राश्चित मुझे करना ही है जोरा भाई। अब मुझे उस वक्त का इंतजार है जब मैं उसका दामन पकड़कर ये कह सकूं, तेरी जिंदगी में तबाही का तूफान उठाने वाला बिरजू कोई और नहीं, मैं हूं। जोरा भाई, आज से सीता तुम्हारे पास बिरजू की अमानत है। आज से वो नाचेगी नहीं, और अगर तुमने उसे कभी भी नचाया तो तुम्हारी जिंदगी मौत के हवाले कर दूंगा। ये जो बिरजू है ना बिरजू, रामपुर गांव से किसी सीता नाम की लौंडिया को उठा कर ले आया है। अब पुलिस उसके पीछे लगी है, इसलिए बिरजू विजय बनकर घूम रहा है। और जानते हो वो लौंडिया कौन है? कौन है? सुनोगे तो कान फट जाएंगे तुम्हारे। उसका नाम है सितारा भाई। ये कैसे हो सकता है? अगर विजय बिरजू होता तो उस दिन सितारा अपनी जिंदगी बर्बाद करने वाले को क्या नहीं पहचानती? यही तो सस्पेंस है कि सितारा बिरजू के खून की प्यासी जरूर है, लेकिन उसे पहचानती नहीं। अब उसकी प्यास नारायण बुझाएगा, सितारा की प्यास बिरजू के खून से बुझेगी और ठंडक जैकब के कलेजे को बुझेगी। ये बंधन कच्चे धागे का जरूर है, मगर अब अगर तुम चाहो भी तो आजाद नहीं हो सकते। आज से मैं तुम्हारी मुंह बोली बहन नहीं रही, सगी बहन हूँ। तू तो बिल्कुल मेरी छाया है, मेरी दुनिया तो उजड़ गई। तेरे और विकी के प्यार ने मुझे फिर से आबाद कर दिया। मैं तेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ कि तेरी और तेरे सुहाग की रक्षा के लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े मैं दे दूंगा। विकी, कहाँ जा रहे तू? क्या बात है, सुबह से इतना चुपचाप है तू? राखी के दिन इसका यही हाल होता है। मगर क्यों? इसकी बहन जो खो गई है, आज राखी के दिन जिसकी बहन ना हो। विकी, ये क्या तेरी आंखों में आंसू? इतना बड़ा गम अकेले ही अपने दिल में छुपाए बैठा है? क्या मुझे तेरे दुख दर्द में शरीक होने का कोई हक नहीं? तूने आज तक मुझसे ये नहीं कहा कि तेरी बहन खो गई है? मुझे बता, मैं कहीं से भी तेरी बहन को ढूंढ के लाऊंगा। तू क्या समझता है जिस भाई की बहन खो गई हो उसे उसने ढूंढा नहीं होगा? पागलों की तरह अपनी बहन की तलाश में भटक रहा हूं,
तकदीर ने उसे मिलवाना ही होता तो जुदा ही क्यों करती। पर जिस तरह मैं अपनी बहन से राखी बनवाने के लिए तड़प रहा हूं, उसी तरह मेरी बहन भी अपने भाई को राखी बांधने के लिए तड़प रही होगी। वो राखी दीजिए। एक बात समझ में नहीं आई सितारा, तूने ये राखी क्यों खरीदी? इसलिए कि इस राखी के बगैर अपनी सूनी कलाई को देखकर मेरा भाई आंसू बहाता होगा। वो बहन के प्यार को क्या सोचेगा कि बहन ने राखी तक नहीं खरीदी। देसी! राखी के दिन तुमने राखी क्यों नहीं बंधवाई भैया? सीता, मेरी बहन। मेरा नाम सीता नहीं। माफ कीजिए, आपकी आवाज सुनकर लगा कि मेरी बहन, मगर नहीं। अगर वो होती तो 100 पर्दों के अंदर से भी खुद ही पहचान लेती मुझे। क्या हुआ आपकी बहन को? अचानक दुनिया की भीड़ में खो गई मुझे छोड़कर। वो जहां भी हो भगवान उसे सुखी रखे, खुश रखे। क्या आपने अपनी बहन की तलाश नहीं की, ढूंढा नहीं उसे? एक भाई से पूछ रही हो कि अपनी खोई हुई बहन को नहीं ढूंढा? उसे ढूंढते ढूंढते तो मैं अपने आप को खो बैठा हूं। ये पूछे मैंने उसे कहां नहीं ढूंढा। आप बुरा ना माने तो मैं आपको अपना सगा भाई समझकर आपके हाथ में ये राखी बांधू। जी? शायद आपको एतराज होगा, मैं सवाइफ हूं ना। अगर मेरा सगा भाई होता तो पल भर में राखी बंधवा लेता। आप मुझे गलत समझ रही हैं। आपने ऐसा सवाल किया कि अगर मेरी कलाई पर राखी बांधकर आपके दिल का बोझ हल्का होता हो तो बांध दीजिए। इस बहन के पास अपने भाई का मुंह मीठा कराने या माथे पर मंगल दीप लगाने के लिए इस वक्त कुछ भी नहीं है। इस वक्त तो ये बहन अपने भाई की खुशियों के लिए ही कर सकती है। भैया कितने पैसे हुए? बहन बनकर भाई को शर्मिंदा कर रही हो। भाई तो हमेशा बहनों के कर्जदार होते हैं और आज के दिन पैसे लेते नहीं बल्कि देते हैं। इसे रख लो, इस गरीब भाई का आशीर्वाद समझ कर रख लो, इनकार नहीं करना। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। एक बहन के लिए भाई का आशीर्वाद किसी खजाने से कम नहीं होता। मैं अपनी बहन का नाम जान सकता हूं? सितारा। नाम और आवाज दोनों ही मेरी बहन से कितने मिलते हैं। क्या मैं आपका चेहरा देख सकता हूँ? शायद चेहरा भी मेरी बहन के चेहरे से मिलता हूँ। नहीं भैया, एक तवायफ के चेहरे को अपनी बहन के चेहरे से मिलाने की कोशिश मत करो। आज चेहरा देखोगे और कल इसी चेहरे को किसी बाजार में नीलाम होते देखोगे तो शर्म से तुम्हारी आंखें झुक जाएंगी। बेहतर होगा कि बहन भाई के रिश्ते के दरमियान इस पर्दे की दीवार को रहने दो और इसे बहन की खुशी नहीं बहन की मजबूरी समझना। भाई
हाँ निकल जाता हूँ, लेकिन मेरी बात तो सुन लो सीता। क्यों अपना असली नाम सुनकर चौंक क्यों गई? रामपुर की याद तो आती होगी, क्यों सीता? कैसा रामपुर? कौन सीता? मैं सीता नहीं, सितारा हूँ। सितारा बाई। कोई बाई वाई नहीं है। अपनी असलियत मुझसे छुपाने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारी इज्जत पर डाका डालने वाला डाकू नहीं, बल्कि तुम्हारा हमदर्द हूँ सीता। मर गई सीता। सीता, गुजरे हुए वक्त की फटी हुई वो तस्वीर है जिसे सितारा नाम के नए फ्रेम में चढ़कर आवाज के बाजार में बोली लगाने को टांग दिया गया है। और इस तस्वीर को इस बाजार में टांगा किसने है, उसको भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मेरा मतलब बिरजू से है। कहाँ है वो कमीना? मैं अपने दिल के जख्मों पर उसके खून का मरहम लगाना चाहती हूँ। बर्बादी की जिस आग में मैं जल रही हूँ, उसे बिरजू के आंसुओं से बुझाना चाहती हूँ। बताओ कहाँ है वो? हाँ, बताऊंगी नहीं बल्कि मिला भी दूंगा, लेकिन इतनी हमदर्दी जताने के बाद इस नाचीज हमदर्द को मिलेगा क्या? जो तुम चाहोगे, लेकिन बिरजू के मिलने के बाद। तो फिर समझ लो कि बिरजू आज रात ही मिल जाएगा तुम्हें। वो देखो, वहां सामने तुम्हारी जिंदगी को जहन्नम बनाने वाला बिरजू रहता है। लो बिरजू के खून से अपने जख्म पे मरहम लगा लो, बाकी नारायण सब संभाल लेगा। कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ मैं ठीक कह रही हूँ, वहाँ बिरजू नहीं, मेरा सगा भाई विक्रम रहता है। विकी? विक्रम? हे भगवान, ये किस पाप की सजा देने लगा था तू? मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। हाँ भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। चलो हमारी मेहरबानी से तुम्हें तुम्हारा भाई तो मिल गया, अब तो हम अपने नाम के हकदार हैं ना? शर्त मैंने बिरजू से मिलने के बाद की रखी थी नारायण बाबू, अपने भाई से नहीं। भाई तो बहन को तवाइफ के रूप में देखते ही मर जाता, लेकिन नारायण बाबू मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे भाई को ये कभी पता नहीं होने देंगे कि उसकी बहन एक कवायत है। राघवन, शंकर, अरे कहां मर गए? ये अंधेरे में किसका माता मना रहे हो? तेरा। तू क्या? और इस वक्त क्या? मौत कहीं भी और किसी भी वक्त आ सकती है नारायण। उस लड़की को कहां छोड़कर आ रहा है जिसे तूने मेरी मौत बनाकर भेजा था? कौन सी लड़की, किसने भेजा था? तूने इस दुपट्टे को पहचानता है? ए, मैं क्यों पहचानने लगा? मैं क्या दुपट्टा ओढ़ता हूँ? अच्छी तरह पहचान जाएगा नारायण, जब यही दुपट्टा कफन बनकर तेरी लाश पर गिरेगा। अपनी हसरत जरूर पूरी कर ले, मगर इतना सोच ले अगर मुझे मार डालेगा तो तेरी बहन सीता से मिलने की जो तेरी हसरत है वो मेरे साथ ही खत्म हो जाएगी। सीता
कहा है मेरी बहन सीता? तू उसे जानता नारायण? मैं तो उस बिरजू को भी जानता हूँ जो तुम्हारी बहन सीता को यहाँ उठा कर लाया था। बिरजू, मेरी बहन सीता से मिलवा दे नारायण। मेरी और मेरी बहन की खुशियों को टस लेने वाला वो सांप किस पिल में छुपा है उसका पता बता दे, मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। नहीं नहीं नहीं, इसे एहसान नहीं, मेरा फर्ज समझो विक्रम। वक्त आने पर मैं तुम्हें तुम्हारी बहन सीता से भी मिला दूंगा और उस सांप का बिल भी दिखा दूंगा। वक्त, मेरी बहन की प्यार की तड़प और तलाश खत्म होने का वक्त कब आएगा नारायण, कब आएगा? जब मेरे आदमी तुम्हारी बहन सीता को छुपाने वाले रावण की लंका को ढूंढ निकालेंगे तब। तूने बिरजू को उसकी आरती से दूर ही नहीं किया बल्कि मुझे सब्र की चिता पर चलने पर मजबूर कर दिया। तुम्हारा सब्र टूटने से पहले मैं बिरजू के साथ उसकी अर्थी को लेकर खुद तुम्हारे पास आऊंगा। कह दिया ना तुमसे, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे से शादी करके तेरा घर बसने से पहले उजड़ जाएगा। लेकिन विकी, आज तुझे हो क्या गया है? मुझे उस राक्षस की भनक पड़ गई है जो मेरी बहन को उठा ले गया था। उठा कर ले गया था? पर तूने तो कहा था कि वो... मैंने झूठ बोला था चांदनी कि मेरी बहन सीता खो गई है। असलियत में एक बिरजू नाम का गुंडा उसे उठा कर ले गया। लेकिन कुछ ही दिन में मुझे मेरी बहन और बिरजू दोनों का पता चल जाएगा। हाँ चांदनी, और जिस दिन मुझे पता चल जाएगा वो दिन बिरजू की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। उसे मार डालने के बाद या तो मुझे फांसी होगी या उम्र कैद। इसलिए तू मेरा ख्याल छोड़ दे और किसी और के साथ घर बसा ले। मुझे खुशी ही नहीं, नाज होता अपने प्यार पर। अगर तूने ये कहा होता कि उम्र कैद हो जाए तो मैं उम्र भर तेरे इंतजार की आग में जलती रहूं, और अगर अगर तुझे फांसी हो जाए तो मैं तेरे नाम के सहारे विधवा बनकर सारी जिंदगी गुजार दूं। मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया चांदनी। फैसला? मेरे प्यार का गला घोट देने को फैसला कहते हो तुम? नहीं विकी नहीं, मैं तुझसे वादा करती हूँ मैं कभी तेरे रास्ते में दीवार नहीं बनूंगी। तू अपनी बहन का बदला बिरजू से लेना, जरूर लेना। साले सांप के भाई सपोलिए, आज तेरे उस मन को कुचल डालूंगा जिसे मुझे बहुत पहले कुचल डालना चाहिए था। विजय, क्या हो गया तेरे को? कौन विजय? इन्हीं नामों के फेर ने तो तुझसे तेरी मौत को तुझसे दूर कर दिया, वरना इंतकाम की आग में तेरे पास रहकर भी आज तक झुलसता नहीं रहता। आज तेरी मौत बनकर तेरे सामने बिरजू खड़ा है। बिरजू? यानी तुझे बगल में छुपाकर तेरी ही तलाश में मैं दर बदर भटकता रहा, कमीने आस्तीन के सांप। क्या तू ही वो बिरजू है जिसने मेरी जिसने तेरे भाई की उस जहर भरी जबान को जिससे उसने मेरी देवी जैसी बहन पर कीचड़ उछाला था, इसीलिए मैंने दीनानाथ की बहन यानी कि तेरी बहन सीता को उठाकर बेहयाई की उस दलदल में फेंक दिया जहां से तू गया। आज तक अंधेरे में रहकर भी उसी चिराग को रोशन करता रहा जिसने मेरे ही घर में आग लगा रखी है। बोल, बोल, मेरी बहन कहाँ है? मेरी बहन सीता कहाँ? बोल। अब तेरी बहन सीता सीता नहीं रही, वो अब बंबई की मशहूर तवायफ सितारा बाई है। कुत्ते,
लड़की की इज्जत आईने पर लगी उस चमक की तरह होती है, जिस पे हल्की सी भी खराश आ जाए तो वह दाग बन जाती है, और तूने उस चमक को घुरेत के रख दिया। अब मैं तुझे इस दुनिया से घुरेत के रख। की अपनी बहन के सुहाग की, अगर भाई तुम्हारे जैसे होते हैं तो खुश नसीब है वो बहने जिनका कोई भाई नहीं है। लेकिन मैं तो तुम्हारी मुंह बोली बहन हूं ना, अगर मेरी जगह तुम्हारी अपनी बहन छाया होती तो क्या उसकी मांग में भी सिंदूर की जगह उनके आने वाले पति का कौन कर देते? जंजीरों में मुझे जकड़ने की कोशिश मत कर। मेरे अंदर जो इंतकाम की आग चल रही है उसे अपने आंखों से बुझाने की कोशिश मत कर। दफा हो जाए यहां से, मैंने जो फैसला कर लिया वो बदल नहीं सकता। ठीक है, अगर तेरा यही फैसला है तो मेरा भी फैसला सुन। तेरी जिंदगी रही तो मैं तेरी सुहागन बनकर रहूंगी, और अगर अगर तुझे कुछ हो गया ना तो मैं तेरी विधवा बनकर जीऊंगी। तेरे होते हुए अगर तेरे सुहाग पर जरा सी भी आंच आ जाए और तुझे विधवा बनकर सारी जिंदगी गुजारनी पड़े तो लानत है इस भाई पर। विजय तू नहीं जानता दोस्त, मैंने सब सुन लिया है विकी, तू मुझे मेरी बहन की खुशियां दे दे, मैं तुझे तेरी बहन ला दूंगा। मुझे कसम है मेरी बहन की, फिर के टुकड़े लाकर तेरे कदमों में डाल दूंगा, और तुझे कसम है तेरी बहन सीता की कि मेरी बहन के प्यार के टुकड़े मत कर। मुझे तू इनकार नहीं करना दोस्त, तू मुझे अपनी जान समझता है ना, तो अपनी जान पर भरोसा रख, तेरी शादी चांदनी से होगी और बिरजू की मौत से। शादी में? मैं शादी में हरगिज नहीं नाचूंगी नारायण बाबू। सितारा तवायफ जरूर है, कोई कठपुतली नहीं जो सड़कों पर तमाशा करती फिरे। तो चलो सितारा भाई, इससे अच्छा मौका तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस शादी में बिरजू भी आने वाला है। बिरजू? फिर तो मैं जरूर नाचूंगी, तुम उसकी तरफ इशारा कर देना बस, फिर देखना। शादी चाहे किसी की भी हो, मेरे लिए खून की होली होगी। कहो क्या बात है? आज सीता के भाई की शादी है, सीता को बुलाओ ना। उसके पांव में लगी इस कोठे की मिट्टी को अपने आंसुओं से धोना चाहता हूं। मेरे प्रायश्चित का वक्त आ गया है जोरा भाई, मैं सीता को लेने आया हूं, बुलाओ ना उसे। लेकिन राजा वो तो मुजरा करने गई है। मुजरा? मैंने कहा था ना उसे नचाना नहीं। वो अपनी मर्जी से गई, खुदा जाने कौन सा मकसद पूरा करना था उसे कि लाख रोकने पर भी फिर की शादी पर नाचने चली गई। खुदा के लिए अब ये
कौन है तू जो मेरे को? अपने भाई को जुदाई के आंसू पीने पर मजबूर करके कहाँ चली गई थी बहन? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम मुझे ढूंढ रहे थे और मैं उसे जिसने तुम्हें अपनी बहन को ढूंढने पर मजबूर कर दिया। हाँ भैया, तुम्हें मिल कर भी तुम्हें भैया ना कह सकूं। इन होटल से भैया कहने का हक छीन लिया, जिसने बहन को बहन से समायत बना दिया। बता कौन है वो? तुम्हारे सामने ही तो खड़ा है। यही है वो जालिम जिसने तुम्हारी बहन के पास इस शादी के पास उतारकर घुंघरू बांध दिए, जिसने सीता को सितारा बाई बनाकर अय्याशों के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली बना दिया। भैया यही है वो। देखिए तू तुझे नहीं दोस्त, फिर जो दोस्त अब भी दोस्त कहता है जलील? दोस्ती को गुन लगी लकड़ी की तरह खोखला कर देने वाला दोस्त नहीं दुश्मन होता है। दोस्ती के नाम पर कलंक होता है और ऐसे कलंक को मिटा देना बेहतर है। देखिए, अरे मेरी बात सुन। जो कुछ मेरी बहन ने कहा वो सुनने के बाद कान फट जाते हैं और कुछ सुनने के लायक नहीं रहते। नीच देख, मेरी बात सुन विकी। देख हाथों में जो हाथ लड़की को उठाकर कोठे पर पहुंचाते हो वो हाथ उठने से पहले तोड़ते जाते हैं। मैं तेरी बात का जवाब दे सकता हूँ विकी, लेकिन मेरी बहन चांदनी को देवी कसम ने मेरे हाथ बांध दिए। बहन को? बहनों के पांव में घुंघरू बांधने वाले को ना तो किसी को बहन बनाने का हक है ना ही वचन देने का। कमीना है जिसने आपकी जान काट डाली और सीता को उठाकर कोठे पर बिठा दिया। छोड़ दो, छोड़ दो भैया। अरे आप क्या समझा रहे? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। इस वक्त मेरे सर पर खून समा रहा है। हट जाओ, हट जाओ। इसी तरह मेरे सर पर भी खून सवार था जब तेरे भाई ने भरी अदालत में तेरी मासूम बहन को जलील करके एक धंधे वाली साबित कर दिया था। उस वक्त मैं भी पागल हो गया था जब तेरे भाई ने मेरे बाप, मेरी मां, मेरी बहन की चिता पर आग लगाने को मजबूर कर दिया। पूछ अपने भाई से, पूछ अपने भाई से, पूछ। दूसरे के घर में आग लगाकर तमाशा देखने वाले के घर में जब आग लगती है तब कितनी तकलीफ होती है। मैं यही दिखाना चाहता था मेरे दोस्त, यही दिखाना चाहता था। उन्हें कहाँ ले गए होंगे? इस टैक्सी ड्राइवर ने 10 साल बंबई की सड़कों पर खाक छानी है। वो कुत्ता नारायण किस गली में होगा मैं जानता हूँ। चलो मैं
जगब, ये तो वही बिरजू आ गया है। चल इसका टाइम नहीं है, चले रस्सी पकड़, रस्सी पकड़ना। ए बंदर सारे, एक मिनट, गोली चलाने से पहले जरा उनकी हालत देख ले जिनको तू बचाने आया है। इनके गले में बम लटक रहा है, उसका कंट्रोल तेरे बाप के हाथ में है। मेरी उंगली के एक इशारे से इनकी धज्जियां उड़ जाएंगी। शैतान का दूसरा नाम है जैकब। आज हम दोनों की दुश्मनी खत्म। पहले तेरी बलि चढ़ाऊंगा, फिर इन चूजों की। बंदूक फेंक दे। आग में मैंने जो तुम्हारी जिंदगी में दाग लगाया है वो दाग मेरा खून ही धो सकता है। ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारुमी और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।